तो ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी जिसे कहते हैं काला चश्मा, सॉरी चश्मा शाही। मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम का है ये बेसिकली। हाय, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ दिस 4-डे कश्मीर टूर एंड वी आर इन श्रीनगर राइट नाउ। दिस इज सेकंड डे एंड कल रात को हम लोगों ने काफ़ी मजे किए, हमने कल शिकारा किया है एंड उसके बाद हम लोग फिर मैं अपने एक फ्रेंड के साथ अपने साथ घूमने भी गया था उसके बाद। तो दैट टू थिंग्स दैट वी डिड लास्ट नाइट में मैं वीडियो बना नहीं पाया, हमने काफ़ी अच्छी वॉक करी दल लेक पे। और वीडियो बनाने के दो रीज़न नहीं थे बेसिकली, जिस एरिया में वॉक किए थे उसमें काफ़ी मिलिट्री भी थी, सोल्जर्स वगैरह थे, तो दैट फर्स्ट रीज़न दैट की वीडियो नहीं बना पाए। एंड सेकेंड रीज़न ये भी था उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लाइटिंग अच्छी थी बट उतनी नहीं थी जिससे हिसाब से हम अच्छी वीडियो बना पाए, सो दैट्स वाई वीडियो नहीं बना पाए। एंड दिस इज डे टू, सो आज हम काफ़ी जगह घूमने वाले, श्रीनगर कवर करने वाले हैं एंड वी हैड टैक्सी, वो टैक्सी वाले भैया ऑलमोस्ट आ गए हैं एंड अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 9:30 एंड 9:30 के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं। एक बड़ा फेमस टेम्पल है यहाँ पे, टेम्पल का नाम मैं भूल चुका, टेम्पल का नाम क्या था, टेम्पल का नाम हम लोग भूल चुके हैं बट हम एक टेम्पल है, फेमस टेम्पल जो हिल टॉप पे है, शंकराचार्य टेम्पल, या शंकराचार्य टेम्पल पे जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग एक गुरुद्वारा हरगोबिंद साहिब जी का एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा वहाँ पे हम कवर करेंगे। फिर यहाँ पे 3-4 इकट्ठे बहुत ज़्यादा पार्क्स वगैरह है, लाइक फेमस गार्डन्स है, लाइक मुगल गार्डन है, चश्मा शाही है, परी गार्डन है, तो ये सारे पार्क हम लोग कवर करेंगे, गार्डन्स वगैरह। एंड अगर टाइम बचता तो शाम को हम लोग जाएंगे एक मार्केट है लाल चौक एरिया के अंदर, उस मार्केट में यू कैन बाय लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे केसर वगैरह लेनी है, कुछ गिफ्टिंग आइटम लेनी है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है और इवन अफोर्डेबल मिलता है, सो विल बी गोइंग देयर इन द इवनिंग प्रॉब्ली। सो दिस इज द होल आइटनरी फॉर टुडे एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो ये हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर डे टू एंड दैट इज शंकराचार्य टेम्पल। एंड अभी हम बहुत ऊपर है, इट्स लाइक पहाड़ी के ऊपर है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है इसका, तो ट्रैक नहीं बोलूँगा उसको, लेट्स से आपको गाड़ी पे आना है एंड गाड़ी के ऊपर आपको बहुत ऊपर पहुँचना है एंड देन उसके बाद फिर थोड़ी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है, ठीक है, स्टेयर्स है बहुत ज़्यादा। एंड ये देखो पूरा श्रीनगर का ऑसम व्यू टेम्पल से, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सामने एक और एक पहाड़ है, यहाँ पे बहुत कुछ है यार, मतलब आप देखो यहाँ से आप पूरा आपको श्रीनगर कवर हो रहा है, एवरी हिल जो भी मेन मेन साइड्स है, सामने दल लेक आपको दिख रही है और ये टेंपल है, इस पर लोग एंट्री ले रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे थोड़ा व्यू लेने भी आए हैं यहाँ पे। यार हम आ चुके हैं अब परी महल, राइट। तो यार यहाँ पे ना एक और चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे ना लूटते बहुत ज़्यादा है ट्रैवलर्स को। तो एग्जांपल लेट्स से हमने ना मतलब क्या किया, हमने एक टैक्सी हायर करी, टैक्सी ने हमसे लिए 2700 रुपीज़ फॉर अ होल डे, लाइक हम जहाँ मर्जी जाएँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, टैक्सीज को ना जो नॉर्मल टैक्सी चलती है यहाँ पे, कैब चलती है, उनको ना कई कई जगह पे एंट्री नहीं है बिकॉज ऑफ आर्मी का एरिया है या कुछ और रीजंस भी है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत दूर उतारती हैं, फिर आपको दूसरी एक शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ती है, थोड़ी महंगी पड़ती है। तो हमें बाई चांस काफ़ी अच्छे लोग मिल गए, तो हमने मिलकर कोई शेयरिंग टैक्सी कर ली जो कि थोड़ी हल्की सी महंगी थी, बट हेयर वी आर एट परी महल। अब परी महल बहुत सिंपल, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट आई वुड नॉट से कि स्किप करो क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, अगर आपको व्यू दिखाऊँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यू सी द व्यू। तो व्यू के मामले में नंबर वन, एंड इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री अभी लिखी भी नहीं गई पे, बट एक्चुअली मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम का है ये बेसिकली, एंड दारा सिखों भी यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया उन्होंने यहाँ पे, कैसे पीर महल भी कहते हैं बेसिकली। तो काफ़ी चीज़ें कुछ मतलब नॉर्मल सा महल, ऐसा कुछ खास नहीं है।
ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी जिसे कहते हैं काला चश्मा शाही। यार ये है जो चश्मा शाही के ऊपर एक पानी का स्प्रिंग वाटर, यहाँ से स्प्रिंग वाटर आ रहा है बट ये कहाँ से आ रहा है वो कुछ आइडिया नहीं है, और लोग यहाँ पे भर के पानी पी भी रहे हैं, सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट यहाँ पे कहते हैं कि जो हिस्ट्री समझ में आई है मुझे यार कि ये मुगल एम्पायर ने बनाया, तो यहाँ पे चश्मा शाही है, वहाँ पे इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी यहाँ पे आते थे पानी स्प्रिंग का पानी दिल्ली से कश्मीर से दिल्ली लेके जाने के लिए, तो यहाँ से वो पानी लेते थे और पानी थोड़ा सा मीठा है हल्का सा यहाँ पे, तो दिस इज चश्मा शाही एंड स्प्रिंग वाटर लोग भर रहे हैं पानी पी रहे हैं।